हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आप सभी को हैप्पी होली। गाइस, यहाँ पर चढ़ रही है दाल सांभर वाली, सांभर बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी अपने लिए चाय। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है इडली का जो साँचा होता है उसके अंदर मैंने सब में तेल लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली। तो यहाँ पे तेल पहले लगाते थे, चिकना हो जाता है जिससे कि इडली चिपकेगी नहीं। और अभी जो सब में मैं जो है यहाँ पे डाल रही हूँ जो बनाया हुआ है पेस्ट, वो पेस्ट डाल रही हूँ इनके अंदर। ये देखिएगा, इस सब में मैंने डाल दिया है। अब ये उठा के मैं इसमें रख दूंगी। बस गैस का फ्लेम मैं थोड़ा कम कर दूंगी जिससे कि ये धीरे धीरे अच्छी तरह से पक जाए। बस गैस अब इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ढक्कन। बस हो गया। और बस गैस मैंने यहाँ पे देखिए सांभर भी बना लिया है, सांभर रेडी है बनके। और यहाँ पे जो है मैंने रात को ये थोड़े बादाम, थोड़े से ये खजूर और अंजीर जो होता है ये भिगो के रख देती हूँ। तो इसमें से बादाम जो है वो बच्चे भी खा लेते हैं, और अंजीर और ये जो खजूर होते हैं गाइज, ये सूर्या के डैडी जब वॉक करके आते हैं उसके बाद दूध में मिक्स करके फिर ये पीते हैं, तो इसीलिए मैं रात को भिगो के रख देती हूँ गाइज ये। बस गाइज अब मैं पी लेती हूँ मेरी चाय। मैं जा रही हूँ मेरी जगह पर चाय पीने के लिए। बस यहाँ पे पर्दे खोल देती हूँ और मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी अभी, क्योंकि अभी धूप तो आ नहीं रही है। आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है, देखिए धूप नहीं निकली है आज तो। लेकिन मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे मेरी जगह पे। यहाँ पे गाइज मैंने पूरा बादाम बादाम वगैरह जो भिगो के रखे थे रात को वो सब मिक्स करके दूध में, और यहाँ पे उनके लिए दूध बना दिया है। अब मैं दूध देने के लिए जा रही हूँ। सूर्या के डैडी आ गए हैं और आके उन्होंने दूध भी पी लिया है। अब वो गए हैं नहाने के लिए। जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। मैंने इडली सांभर तो बना लिया है, अभी इडली सांभर डाल दूँगी। और चलिए गाइस अभी जल्दी से मैं उनको देती हूँ नाश्ता और फिर वो जाएंगे ऑफिस। गाइस ये देखिए गाइस समोसे, आज समोसे, क्योंकि आज यहाँ पे आज होली है, आज तारीख है 8। यहाँ पे आज वो जो कलर वाली होली होती है वो आज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए सभी को छुट्टी दी गई है। कंपनी में भी छुट्टी है इनके आज तो और हाफ देखिए ये ऐसे कैसे पड़ा है, ये भूमि ने खाया नहीं है, आधा खा के आधा ही रख दिया है, और मैंने तो मेरा एक खा लिया है, बाकी ये 3 बच गए हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस परमेश्वरी आके जा आके और बर्तन बर्तन सब क्लीन करके गई है। देखिए पूरा बर्तन साफ़ कर दिया उसने, घर में भी झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखिए गाइस मैं जो है घर में जूते रखती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा, ये फर्श जो है बहुत ठंडे रहते हैं ना, इसीलिए मैं हमेशा घर में जूते, ये जो जूते होते हैं ना ये वाले पहन के रखती हूँ हमेशा। गाइस भूमि ने सुबह सुबह होली खेल ली थी, फिर मैंने इसको वापस कपड़े चेंज करवाए। अब देखिए वापस इन दोनों ने यहाँ पे कलर गिरा दिया, जबकि झाड़ू पोछा अभी परमेश्वरी करके गई थी, और इन दोनों ने फिर से फर्श खराब कर दिया। मैं बोल रही हूँ अब तुम दोनों उठाओ इस कलर को और बाथरूम में जाओ। तो गाइस भूमि यहाँ पे चिढ़ा रही है कि मुझे तो होली खेलनी है, यहीं पर खेलूँगी। मैं बोली नहीं बाथरूम में जाओ। तो गाइस अभी दोनों बाथरूम में गए, लेकिन बाथरूम की हालत देखिए इन दोनों ने क्या कर दिया, पूरा कलर लाल लाल, पूरे कपड़े भी लाल, सब कुछ लाल कर दिया है, बाथरूम को लाल कर दिया है। अभी इन लोगों ने होली खेल ली है, अभी इन लोग को लगी भूख, तो मैं यहाँ पे इनके लिए ड्रैगन फ्रूट्स कट करके दे रही हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ, ये बहुत इजीली कट हो जाता है, तो वही मैं दिखा रही थी भूमि को कि ऐसे धीरे से उसको प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, और फिर इसका इसको छिलके को हटा दीजिए तो ईजीली हट जाएगा। ये मैं उसी भूमि को सिखा रही थी, क्योंकि भूमि अपने आप लगी हुई थी कट करने के लिए। तभी भूमि खा रही है, देखिए यहाँ पे कट करी मेरे लिए। गाइस मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्जी। सबसे पहले मैंने डाल दिया है तेल यहाँ पे,
लौंग इलायची डाल दी गाइस मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी डाल दूंगी। बस अब मैं डाल दूंगी प्याज, इसे प्याज हरी मिर्च डाल दिए, उनको मिक्स कर दूंगी। अभी यहाँ पे देखिए गाइस टमाटर की प्योरी बना ली है मैंने, इसमें लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिए और दो टमाटर डाल दिए, उसकी प्योरी बनाई है अभी, ये भी डाल दूंगी। ये जो प्याज रेड कलर के होने लग जाएंगे तब इसमें डाल दूंगी, अभी तो हुए नहीं है। ये देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं, और मैं इसको डाल देती हूँ बनाई हुई प्योरी, टमाटर प्योरी मिक्स कर दूँगी अभी। यहाँ पे गाइस मैं जाऊँगी पहले ये नमक, एक चम्मच सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने थोड़ी इसलिए डाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो हरी मिर्च डाल दी थी कट करके, और इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डालूंगी जिससे कि इसमें अच्छा कलर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी मिर्ची कम डाली है अभी। बस गाइस अभी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, और ये देखिए चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे तो वो भी डाल के मिक्स कर दूंगी। इमली भिगो रखी है, अभी मैं थोड़ी इमली का पानी जो है इसमें डालूंगी जिससे खट्टापन आ जाए सब्जी में। तो बस गाइस अभी ये डालने जा रही हूँ मैं, बस गाइस इमली का पानी मैंने डाल दिया है, अभी उसमें हरा धनिया डाल दूंगी और गैस को बंद कर दूँगी। बस गाइस हमारे घर की सब्जी बन के रेडी हो गई, और यहाँ पर आटा लगा लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, आटे की रोटी बना लूँगी, और यहाँ पर सब्जी है बस गाइस, और सैलेड काट लूँगी, बस आज का खाना यही होगा। हे गाइस तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट वॉक के लिए, और कुछ सामान भी लाना है, और ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ तो चलो। सो गाइस एकदम बूम बम चिल करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पे धूप में भी आ चुकी है। गाइस मून देख सकते हो आप, एकदम अलग दिख रहा है कलर में, पता नहीं क्यों, और मैं भी नहीं दिख रहा एक्चुअली। तो चलो मार्केट में जाके देखता हूँ अगर मेरा फेस दिखता है तो। व्लॉग मैं कर रहा हूँ, मम्मा वॉक कर रहे हैं, तरफ देख पा रहे हो डैडी जा रहे हैं, और उसके साथ उसके आगे जो है भूमा है, तो भूमा ये रही, डैडी ये रे, मैं इधर हूँ, मम्मा मेरे पीछे। सो गाइस फाइनली अभी आ चुका है, देख पा रहे हो। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भी स्ट्रीट है, यहाँ पे आई थिंक इसी में होली के लिए यहाँ पे कलर्स है। चलो मार्केट आ चुका है, मार्केट में आते ही फुल रोशनी। हाँ कॉम्प्लेन होनी इस रात को वॉक करके मैं सभी आई हूँ, हम सब तीन चारों जन गए थे वॉक करने के लिए, वॉक करके मैं सभी घर पे आए हैं। ये देखिए गाइस भूमि आते ही लग गई है खाने को दो मिनट भी वेट नहीं करती है गाइस। ये देखिए ये लगता खरबूजा है ना, ये खरबूजा समझ के मैं कट कर रही थी, तो ये निकल गया तरबूज, थोड़ा सा लग गया। तो बस गाइस अभी ये जो तरबूज है इसको कट कर रही हूँ और पीसेस में, और फिर खाएंगे, बच्चों को भी दे रही हूँ थोड़ा, और थोड़ा मैं भी खाऊंगी, थोड़ा इनको भी दे रही हूँ। तो यहीं पे खाने लग गई है अभी बेटा, वो फॉक तो ले लो, फॉक के साथ खाने का नहीं खाना, फॉक के भी। बस गाइस अभी देने जा रही हूँ, चल लेके चलते हैं। गाइज मुझे छोले की सब्जी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपने लिए बनाया चावल, तो मैं चावल और छोले की सब्जी खा रही हूँ, वो सब खा रहे हैं रोटी सब्जी। और बस गाइज व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।